आपके लिए पहला सवाल होगा, किस राज्य को स्लीपिंग स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? आपके लिए ऑप्शंस हैं, ए नागालैंड को, बी गोवा को, सी मध्य प्रदेश को या डी गुजरात को। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के मध्य प्रदेश राज्य को स्लीपिंग स्टेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आपके लिए अगला सवाल होगा, भारत में पहला हवाई अड्डा कहाँ और कब बना था? आपके लिए ऑप्शंस हैं, ए उत्तर प्रदेश में, बी महाराष्ट्र में, सी गुजरात में या डी केरल में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में बना था सन 1919 में इलाहाबाद के बमरौली में। बमरौली हवाई अड्डा भारत में बना पहला हवाई अड्डा है। आपके लिए अगला सवाल होगा, कौन सा पौधा सांप के जहर के असर को खत्म कर देता है? आपके लिए ऑप्शंस हैं, ए बेलपत्र का, बी धतूरे का, सी कंटोला का या डी तुलसी का। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कंटोला का। कनंटोला एक ऐसा पौधा है जिसके पत्तों को मसल कर सांप की काटी हुई जगह लगाया जाए तो सांप के जहर का असर तुरंत कम हो जाता है। आपके लिए अगला सवाल होगा, श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में है? आपके लिए ऑप्शंस हैं, ए तमिलनाडु में, बी केरल में, सी कर्नाटक में या डी आंध्र प्रदेश में। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में स्थित है श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र। आपके लिए अगला सवाल होगा, भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? आपके लिए ऑप्शंस हैं, ए विवेक एक्सप्रेस, बी शेषनाग एक्सप्रेस, सी प्रयागराज एक्सप्रेस या डी सुपर वासुकी। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सुपर वासुकी ट्रेन। इस ट्रेन में 6 इंजन लगे हुए हैं और 295 वैगन जुड़े हुए हैं। ये ट्रेन 3.5 किलोमीटर लंबी है। यह एक माल ढुलाई वाली ट्रेन है जिसका नाम सुपर वासुकी है और ये 25,962 टन का वजन लेकर दौड़ सकती है। आपके लिए अगला सवाल होगा, विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है? आपके लिए ऑप्शंस हैं, ए हीमोग्लोबिन, बी थायमिन में, सी डेक्सेट्रोज या डी राइबोफ्लोविन। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी राइबोफ्लोविन है विटामिन B2 का दूसरा नाम। आपके लिए अगला सवाल होगा, कौन सी जनजाति दीपावली पर शौक का त्योहार मनाती है? आपके लिए ऑप्शंस हैं, ए भील जनजाति, बी मुंडा जनजाति, सी खासी जनजाति या डी थारू जनजाति। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी थारू जनजाति। दिवाली खुशियों का त्योहार है। आज भी भारत ही नहीं दुनिया में जहां जहां भारतीय बसे हैं वो दिया या लाइटें जलाकर दिवाली को धूमधाम से मनाते हैं। मगर भारत में ही एक ऐसा भी समुदाय है जो इस त्योहार के दिन खुशियां नहीं दुख मनाता है। इस जनजाति के लोग इस त्योहार के मौके पर भगवान को नहीं मरे हुए लोगों को याद करते हैं। आपके लिए अगला सवाल होगा, शेर दुनिया के कितने देशों का राष्ट्रीय पशु है? आपके लिए ऑप्शंस हैं, ए 5 देशों का, बी 10 देशों का, सी 15 देशों का या डी 20 देशों का। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लगभग 15 देशों का राष्ट्रीय पशु है शेर। आपके लिए अगला सवाल होगा, किसका पत्ता खाने से दिमाग तेज होता है? आपके लिए ऑप्शंस हैं, ए नीम का, बी ग्रामी का, सी पुदीने का या
डीप तुलसी का। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राह्मी का पत्ता। ब्राह्मी की पत्तियां आपके दिमाग के सेरेबेलम को प्रभावित करती हैं। ये पत्तियां कई तरीकों से आपके दिमागी शक्ति को बूस्ट करने का काम करती है। ब्राह्मी में दिमाग को शांत करने वाले गुण होते हैं जो याददाश्त के एक हिस्से को बेहतर बनाती हैं। ये ध्यान के एक हिस्से को बेहतर बनाती हैं। इसके अलावा ये ध्यान और एकाग्रता को बूस्ट करती हैं, जिससे याददाश्त तेज होती है और व्यक्ति का दिमाग तेज होता है। आपके लिए अगला सवाल होगा कि प्रोटोजोआ के कारण नींद की बीमारी होती है। आपके लिए ऑप्शंस हैं ए प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के, बी अमीबा के, सी पैरामीशियम के या डी ट्रिपेनोसोमा के। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ट्रिपेनोसोमा के कारण होती है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते।